दोस्तों बांग्लादेश और टीम इंडिया के खिलाफ दिखा जबरदस्त रोमांचक मुकाबला। बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर टूटकर किया प्रहार, हर गेंदबाजों की हुई जमकर धुनाई। दोस्तों टीम इंडिया अपना विश्व कप में सभी मुकाबले जीतने के बाद अब कड़ी चुनौती देने के लिए बांग्लादेश को महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन पुणे के मैदान पर उतर चुकी है। इस मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम के लिए ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर तंजीद हसन के साथ लिटन दास उतरे। टीम के लिए पहला ओवर फेंकने जसप्रीत बुमराह आए और उन्होंने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाया और केवल एक रन दिए। टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए मोहम्मद सिराज और शानदार अंदाज से गेंदबाजी कर रहे थे। बांग्लादेशी बल्लेबाजों को रन बनाने में काफी मुश्किल हो रही थी और भारतीय गेंदबाजों के सामने पांच ओवर में केवल 10 रन ही बना सके। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज टीम के लिए खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। बांग्लादेशी बल्लेबाजों को रन बनाने का बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे थे, लेकिन 6 ओवर के बाद दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे रन की गति को बढ़ाने लगे और एक के बाद एक चौके छक्के लगाना शुरू कर दिया। तमजीद अहसन तो बेहद आक्रामक अंदाज में खेलना शुरू कर दिया, टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। उनके साथ लिटन दास भी भरपूर निभा रहे थे। टीम के कप्तान रोहित शर्मा विकेट की तलाश में 9 ओवर फेंकने के लिए हार्दिक पांड्या के हाथों गेंद थमा दी, लेकिन दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और हार्दिक पांड्या की दूसरी गेंद पर लिटन दास ने शानदार चौका जड़ दिया। उसके बाद भी लिटन दास रोकने का नाम नहीं लिया और तीसरी गेंद पर भी शानदार ड्राइव लगाकर चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा दिया। लेकिन इसी बल को हार्दिक पांड्या अपने पैरों से बचाना चाहते थे, जिसके कारण उनका पैर फिसल गया और वो पूरी तरह से मैदान में गिर गए। उन्हें काफी चोट आ गई, जिसके कारण उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। इस ओवर को पूरा करने के लिए विराट कोहली खुद बॉलिंग करने मैदान पर गए, जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया और विराट कोहली ने हार्दिक पांड्या की बची हुई 3 गेंद बेहद शानदार तरीके से डाली। कप्तान रोहित शर्मा विकेट की तलाश में नए गेंदबाजों का एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे और पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए गेंद शार्दुल ठाकुर के हाथों में थमा दी, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दोनों बल्लेबाज शानदार बैटिंग कर रहे थे और अर्धशतक की साझेदारी पूरी कर ली। वहीं तमजीद हसन बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। शार्दुल ठाकुर के ओवर में उन्होंने वो बेहद आक्रामक अंदाज में आ गए और इस ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के और एक चौका जड़कर तमजीद हसन अर्धशतक के करीब पहुंच गए। बांग्लादेश का स्कोर 10 ओवर में बिना विकेट पर 63 रन पहुंच गया। कप्तान रोहित शर्मा एक बार फिर विकेट की तलाश में गेंद इस बार स्पिनरों के हाथों में थमा दी और टीम के लिए 11वां ओवर फेंकने कुलदीप यादव आ गए, मगर ये दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से मैदान पर सेट हो चुके थे। बांग्लादेश के ये दोनों बल्लेबाज अच्छी पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे थे। भारतीय टीम को विकेट की ज्यादा जरूरत थी, लेकिन कोई भी गेंदबाज अपनी फिरकी से विकेट नहीं दिला पा रहा था। ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के स्कोर को 13 ओवर में 82 रनों तक पहुंचा दिया। बेहद मजबूत स्थिति में बांग्लादेश की बैटिंग नजर आ रही थी। वहीं तमजीद हसन अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के दम पर 41 गेंद में 50 रन ठोक दिए, जिसमें उन्होंने 3 गगनचुंबी छक्के और 5 चौके शामिल थे और अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 90 रन की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली थी, लेकिन विकेट की तलाश में एक बार फिर से गेंद रोहित ने कुलदीप यादव को थमाई और उन्होंने उनके भरोसे पर खड़े उतरते हुए अपने ओवर की 4थी गेंद पर तमजीद हसन को LBW कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और बांग्लादेश टीम को 93 रनों पर पहला बड़ा झटका लग गया। वहीं भारतीय टीम ने पहले विकेट अपने नाम किया और तमजीद हसन 51 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब अपनी टीम की पारी को संभालने के लिए नजमुल हसन शांत मैदान पर आ गए। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। लिटन दास भी अपने अर्धशतक के धीरे धीरे करीब आ रहे थे और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पार एक विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज संभलकर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी टीम की जिम्मेदारी को समझते हुए अच्छी बल्लेबाजी से रन धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर विकेट की तलाश में गेंद रविंद्र जडेजा के हाथों में थमा दी और उन्होंने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर संतो को LBW कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को दूसरा विकेट मिल गया। वहीं बांग्लादेश टीम को 110 रनों पर 20 ओवर में दूसरा बड़ा झटका लग गया। बांग्लादेश अब धीरे धीरे मैच में वापसी की तरफ बढ़ने लगी। एक बार फिर स्पिनरों ने अपनी करिश्माई और जादुई गेंदबाजी कर टीम को मैच में वापसी कराई और अब अपनी टीम की पारी को संभालने मेहंदी हसन मिराज मैदान पर आ गए। वहीं लिटन दास भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर चुके थे। दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगे। भारतीय गेंदबाज पूरी तरह से बांग्लादेशियों पर हावी नजर आने लगे। भारतीय गेंदबाज शानदार प्रदर्शन दिखा रहे थे अपनी टीम के लिए। मेहंदी हसन मिराज 10 गेंद में 1 रन बनाकर मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं लिटन दास 72 गेंद में 63 रन बनाकर 5 चौके की मदद से मैदान पर अभी भी टिके हुए थे और अपनी टीम के स्कोर को 24 ओवर में 129 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन तभी 25वां ओवर फेंकने आए मोहम्मद सिराज, उन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद पर मेहंदी हसन मिराज को पवेलियन का रास्ता दिखाकर बांग्लादेश टीम को 129 रन पर तीसरा झटका दे दिया और मेहंदी हसन मिराज 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और अब लिटन दास का साथ देने मैदान पर तौहीद हृदय आ चुके थे और टीम का स्कोर 25 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 131 रन तक पहुंच गया। भारत की खतरनाक मैच में वापसी और गेंदबाजी देखकर यही लग रहा था कि बांग्लादेश टीम 250 से 280 रनों का स्कोर खड़ा कर पाएगी, क्योंकि टीम इंडिया के स्पिनर गेंदबाज शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन बांग्लादेश की बल्लेबाजी अभी बची हुई थी। कई बल्लेबाज मैदान में अभी बैठे हुए थे, इसलिए बांग्लादेश भारत के सामने अच्छा स्कोर खड़ा कर सकती है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मुकाबले में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।